अगर विश्व जीतना है आपको तो एशिया की बादशाहत जरूरी भैया, अब वो घड़ी आ गई है। इट्स इंडिया वर्सेस बांग्लादेश द ग्रैंड फिनाले। हैशटैग आईप्रो आकाशवाणी। भैया देखो, ऐसा है कि दुबई यूएई में गर्मी बहुत है, लेकिन वहां पे हमने भारत के खेल के और अफगानिस्तान की खेल की और बांग्लादेश की खेल की गर्माहट देखी है। देन यू डू नीड अ ड्रिंक। इट्स माय हाइड्रेटिंग पार्टनर, बट देन लेट्स गेट टू द बिजनेस। इट्स इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अगर दोनों टीम्स को देखा जाए तो फिर ऐसा लगता है कि इंडिया का पलड़ा भारी है। भारी क्यों नहीं होगा यार, इफ यू लुक एट द रिकॉर्ड, हालांकि 2016 के एशिया कप के फाइनल का रिपीट है। That was a T20 tournament. This is a 50-over tournament. But then India has been miles ahead of the rest, head and shoulders. मतलब कोई competition हुआ ही नहीं है अभी तक। Hong Kong ने थोड़ा तंग किया था, उसके बाद दो बार पाकिस्तान, once बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ tie. But then अफगानिस्तान वाले मैच में 5 खिलाड़ियों को rest कराया गया था और यहाँ पे तो विराट कोहली हैं भी नहीं। So I think once again India will start as firm favourites to win this one. और अगर हमारे पास विराट नहीं है तो उनके पास भी तो शाकिब नहीं है, तमीम नहीं है। जैसे टीम की दिल और धड़कन निकाल ली गई है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अब शाकिब के ना होने से यू नीड टू पीपल टू फिल वन स्पॉट। और वो पाकिस्तान के सामने पता चला कि दे नीड टू गेट देयर पार्ट टाइम बोलर्स। महमूदुल्ला ने बोलिंग की, सौम्य सरकार ने बोलिंग की, बट अबू धाबी की कंडीशंस डिफरेंट थी। वहां सौम्य सरकार की बोलिंग चल सकती थी, दुबई के इस मैदान में सौम्य की बोलिंग नहीं चलेगी। और भारतीय बल्लेबाज क्या दाल गलने देंगे महमूदुल्ला की विद द बॉल, I'm not so sure. So I am picking India as firm favourites to retain the title. 2018 Uni Money Asia Cup, India should be the champions. But then opposition ko halke mein mat aanko. Kabhi bhi halke mein mat aanko. There are three threats. I'm identifying three threats jo India ko kar sakti hain. Tang. Let's start with Mushfiqur Rahim. यार ये प्लेयर बढ़िया है यार, he's already scored a century श्रीलंका के अगेंस्ट, the best innings ODI innings played by a Bangladeshi batsman. पाकिस्तान के अगेंस्ट भी 99 12 फॉर 3 पे आए थे, जब श्रीलंका के अगेंस्ट तो हैट्रिक बचाने आए थे। ही इज समवन हु इज द ग्लू दैट कीप्स द टीम टुगेदर। इस टीम की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है मुशफिकुर रहीम, तो ही इज थ्रेट नंबर 1। थ्रेट नंबर 2 महमूदुल्ला, अच्छी फॉर्म में है बैटिंग, ये मैं इनको बहुत हाईली रेट करता हूँ। एक बार तो 3 शतक जड़ दिए थे इन्होंने ओडीआई क्रिकेट में, बट देन ही बैट स्लाइटली लोअर डाउन द ऑर्डर, बट इन द एब्सेंस ऑफ तमीम एंड शाकिब थोड़ा सा इनको ऊपर भेज दिया अगर, तो ये भारतीय गेंदबाजों को तंग कर सकते हैं, इज व्हाट आई फील। सो थ्रेट नंबर 2 इज महमूदुल्ला, थ्रेट नंबर 3 इज द फिज मुस्तफिजुर रहमान, जिनका डेब्यू हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, मैन ऑफ द मैच थे। टेस्ट में जब डेब्यू हुआ तो भी ये मैन ऑफ द मैच थे, नॉट अगेंस्ट इंडिया, बट देन ही इज द ओनली क्रिकेटर इन दिस होल वाइड वर्ल्ड जो वनडे के डेब्यू पे भी मैन ऑफ द मैच, टेस्ट के डेब्यू पे भी मैन ऑफ द मैच। फर्स्ट जो ओडीआई सीरीज इंडिया अगेंस्ट वो 13 विकेट्स, लास्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान 4 विकेट्स, ही वॉज एब्सोल्यूटली सेंसेशनल बॉस। तो ही इज थ्रेट नंबर 3। तो इन तीन को अगर आपने न्यूट्रलाइज कर दिया तो फिर मुझे लगता है इंडिया शुड हैव इट ईजी इन द फाइनल्स। वेल आपको क्या लगता है? एक दो काम करो, एक तो देखो 3 लाख तक फटाफट पहुंचाओ, बिकॉज सब्सक्राइबर बेस शुड कीप इंक्रीजिंग। ऑल्सो डाउनलोड माई ऐप यार, देर लॉट्स ऑफ बिहाइंड द सीन्स एक्सक्लूसिव स्टफ देर। एंड इफ यू फील डिहाइड्रेटेड, दैट्स माई हाइड्रेटिंग पार्टनर, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। टेस्ट ऑल्सो वेरी गुड यार।